गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में इस बार पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुजरात में दस्तक दी थी और यहीं पर पहली बार में 24 नगर सेवकों के समर्थन के साथ गोधरा में बीजेपी पहले थी। बीजेपी को हटाकर AIMIM सत्ता में आ गई है। सबसे पहले आपको गोधरा में जो अरिथमेटिक है वो समझाते हैं। कुल 44 नगर सेवक गोधरा नगर पालिका में है और 44 में से 23 का समर्थन चाहिए अगर आपको सत्ता में रहना है। सिर्फ 7 AIMIM के नगर सेवक चुनकर आए, हालांकि उन्होंने चुनावी मैदान में उतारे ही कम थे, 8 उन्होंने उतारे थे। इस बार 8 जगहों पर वो चुनावी मैदान में थे नगर पालिका में, लेकिन उनमें से 7 जीत गए। अब चाहिए आपको 23 कम से कम, तो 17 और नगर सेवकों ने उन्हें समर्थन दिया है। कुल उनका आंकड़ा पहुंच गया है 24 तक। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इस पूरी कहानी में यह है कि जो 17 नगर सेवकों ने समर्थन दिया है उनमें से 5 हिंदू भी हैं। ये इसलिए दिलचस्प बात है क्योंकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं और वो अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, उनकी वजह से ध्रुवीकरण होता है, दोनों को ही बीजेपी और AIMIM को फायदा होता है। लेकिन इस बार जो नगर सेवक उन्हें समर्थन दे रहे हैं उनमें से 5 हिंदू नगर सेवक हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको न सिर्फ मुस्लिमों का बल्कि कुछ हद तक, चूंकि उन्होंने कई जगहों पर मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन को भी ट्राई किया है, यहां पर भी 5 हिंदू नगर सेवक हैं जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं गोधरा में। लेकिन दिलचस्प ये भी आप देखिए कि नगर निगम के चुनाव में अहमदाबाद में पहली बार पैर रखना और वहां पर भी उनके 7 पार्षद चुनकर आए हैं। तो गुजरात की राजनीति में ये जो धीरे धीरे पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी चिन्ह भी असदुद्दीन ओवैसी का पतंग ही है, तो ये जो पतंग उड़ाने के लिए वो अहमदाबाद पहुंचे, गुजरात पहुंचे हैं, उसमें गोधरा को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, गोधरा और गोधरा कांड के बाद जो एक लंबा इतिहास विवाद का गुजरात में रहा, वहां से लेकर आज, और बीजेपी वहां पर सत्ता में थी पहले नगर पालिका में, लेकिन उनको हटाकर अपने लिए वहां पर जगह बना पाना एक ऐसा संकेत है जिसमें कम से कम जमीनी स्तर पर, जो ग्राउंड लेवल जो आप कहते हैं स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, उस स्तर पर तो कम से कम असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पैर अटका दिया है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकती है, क्या उसमें वो कहीं चूक जा रही है? उनके लिए भी आईना है, वहीं बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अभी तक देखिए कांग्रेस हमेशा कहती थी बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को ही गोधरा से हटाकर नगर पालिका पर कब्जा किया है। तो गुजरात में या आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं? क्या वाकई AIMIM वहां पर जाकर अपने पैर पसार पाएगी? अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक दस्तक तो जरूर।